तो दोस्तों, फ्रीडम सेक्टर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और यहाँ पर एक स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपका प्रॉफिट नहीं बनता है, प्रॉफिट करने के लिए जाते हैं आपका लॉस हो जाता है, आपने सारे इंडिकेटर सब कुछ यूज करके देख लिया है लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो एक कमाल का इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस इंडिकेटर है, बहुत ही ज्यादा कमाल का इंडिकेटर है। छोटे से लेकर बड़े बड़े ट्रेडर इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, लेकिन इसकी एक सेटिंग होती है, वो अगर आप कर लेंगे तो प्रॉफिट ऐसा बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन सा ये इंडिकेटर है, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी सेटिंग करनी है। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि यार, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें तभी आप मार्केट से कुछ पैसा कमा पाएंगे, प्रॉफिट लेकर जा पाएंगे। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इससे ना तो हमें कोई प्रॉफिट मिलता है ना ही आपको कोई फायदा होता है, ठीक है। तो आधी अधूरी नॉलेज आपके किसी भी काम नहीं आएगी। अगर आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखा करें, क्या पता कौन सी वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, कौन सी स्ट्रेटजी आपको लखपति करोड़पति बना दे। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लगातार उसको यूज करेंगे तो प्रॉफिट बनता है सर। ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनता है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाते हैं और आपके सामने यहाँ पर जब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब आपको यहाँ पर खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे प्रॉफिट बन रहा है और कितना बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, मैं आपको बार बार यही बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा के अंदर हमने लॉग इन कर लिया है। निफ्टी बैंक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहां पर लगा लेना है। और आप निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के अंदर करते हैं, फ्यूचर के अंदर करते हैं, सभी के अंदर ये इंडिकेटर काम करेगा, ये स्ट्रेटजी काम करेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और समझने की कोशिश करें जो चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है यहाँ पर रेड कलर की, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही है। सिंपल सा मेथड है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस के जैसे ये लाइन यहाँ पर आपके सामने बन के आ रही है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है आज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फरवरी, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे पहली ही रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है। इस ट्रेल जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, ब्रेक कर भी देती है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैंडल बनती है और जो कि रेड कैंडल है, काफी हेल्दी कैंडल है और लाइन के नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में यानी कि बैंक निफ्टी में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए आप इस वाली कैंडल पे एंट्री बना लेते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप एंट्री बना लेते तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 394 पॉइंट की गिरावट हमारे बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तकरीबन 0.95% मार्केट में गिरावट हुई है, यानी कि निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं 400 पॉइंट का प्रॉफिट आप कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर बना सकते थे। अगर मान लीजिए आप यहां पर नहीं, इस वाली कैंडल पे भी एंट्री बना लेते, ठीक है, इस वाली कैंडल पे भी अगर आप एंट्री बना लेते तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता। यहां से भी आप देख सकते हैं तकरीबन 256 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है निफ्टी बैंक के अंदर। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे। यहां पर आप देख सकते हैं सिग्नल आपको पहले ही मिला था, जैसे ही ये कैंडल रेड हो जाती है थोड़ा सा आपको वेट करना है, एक कैंडल बनने देनी है। अगर कोई बड़ी सी रेड कैंडल इस लाइन के नीचे बन जाती है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट नीचे जाने वाला है और आपको सेल के बारे में सोचना है। अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको पुट बाय कर सकते हैं, इन द मनी का एट द मनी का पुट यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद यहाँ पर इस वाली कैंडल के ऊपर आपको सिग्नल मिलता है। ये एरो का निशान भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लाइन जो थी वो रेड से अभी ग्रीन हो चुकी थी और उसके बाद मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, यानी कि एक दिन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
सिग्नल तो आपको यहीं पर मिल गया था, एक बड़ी सी हेल्दी कैंडल बनी वो भी ग्रीन कलर के अंदर, सिग्नल आपको दूसरी कैंडल पे मिल गया, तो इसका मतलब कि आप एंट्री यहीं पर बनाएंगे। ठीक है, इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, यहां पर आपने एंट्री बनाई, उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं यहां से तकरीबन 340 पॉइंट हमारा मार्केट यहां से ऊपर गया, यानी कि हमारा बैंक निफ्टी 340 पॉइंट यहां से ऊपर गया। परसेंट वाइज अगर आप देखेंगे 0.82% की तेजी आपको देखने को मिली, सिर्फ 5 बार्स बने हैं, 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगा है, तो 1 घंटे के अंदर 340 पॉइंट का प्रॉफिट कम होता है, आप जरा मुझे बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए 340 पॉइंट आपको कम लगते हैं? इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि पूछिए मत सर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहां पर पुट वाला एंट्री नहीं बनाते, पुट के अंदर ट्रेड नहीं भी करते, तो कॉल के अंदर यहां पर बढ़िया आपको सिग्नल भी मिला। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं और बढ़िया आपको तेजी भी देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी दिनों से यहां पर थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था, ठीक है, और वो लाइन के नीचे था, तो सेल करने का काफी बढ़िया मौका था यहां पर आपके सामने। जिन लोगों ने यहां पे कॉल को सेल किया होगा उनका काफी बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा यहां पर। तो अगर आप सिग्नल का वेट करना चाहते हैं तो इस एरो वाले निशान को आपको याद करना है, याद रखना है, जैसे ही ये ग्रीन कलर का बनता है तब आपको बाय करना है, रेड कलर का बनता है तो आपको सेल करना है। ठीक है, जैसे ही किसी भी कैंडल पे अगर ये एरो का निशान आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको फटाफट से आपको यहां पर आपको एंट्री करनी है और फटाफट से आपको यहां पर पोजीशन लेनी है। लगातार आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो जरूर आपका प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 फरवरी का डेटा ये आपके सामने आया है, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको सिग्नल मिला था और यहां से मार्केट हमारा कितना ऊपर गया, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां से हमारा मार्केट तकरीबन 563 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 550 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी आपको यहां पर भी देखने को मिली है। उसके बाद यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो यहां पर आप कितना बढ़िया प्रॉफिट बना लेते, 326 पॉइंट की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर आपको सिग्नल मिलते रहते हैं, बस एक सेटिंग आपको करनी है, 260 पॉइंट की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली, और जब मार्केट साइडवेज होता है तब आपको यहां पर ये कोई सिग्नल भी नहीं देता, ये भी याद रखिए। ठीक है, काफी कमाल का इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड इस इंडिकेटर का नाम है, लेकिन इसकी एक सेटिंग होती है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, और वो सेटिंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां से आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 2200 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी यहां से नीचे आया। उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं एक सिग्नल आपको मिला था, यहां से मार्केट में कितनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। ऐसे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आप काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं, सिर्फ एक सेटिंग करनी है, एक इंडिकेटर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मार्केट में आप नए हैं, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सिर्फ एक इंडिकेटर लगा लीजिए और उसकी सेटिंग कर लीजिए, बस आपके पास एक बढ़िया टूल आ जाएगा और उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए यहां पर तैयार हो जाएंगे और काफी बढ़िया प्रॉफिट आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। काफी बढ़िया तरीके से यहां पर ये इंडिकेटर काम करता है। ये इंडिकेटर कौन सा है, कहां पर ये इंडिकेटर मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको ये इंडिकेटर मिलेगा ज़िरोधा के अंदर, अपस्टॉक के अंदर, एंजल वन के अंदर, सभी के अंदर ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस इंडिकेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये इंडिकेटर आपके सामने लगकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये इंडिकेटर कहीं नहीं मिलता तो आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं लेंथ के अंदर आपको कर देना है 7। ठीक है, लेंथ के अंदर आपको कर देना है 7, और उसके बाद यहां पर आना है फैक्टर में और यहां पर कर देना है 1.5। ठीक है, 1.5 आपको यहां पर कर देना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर आपके सामने लगकर आ जाएगा और उसके बाद मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, किसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लगातार आपका पैसा तभी बनेगा जब लगातार आप स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। एक दिन के अंदर आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, लगातार जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेंगे 10 बार 20 बार, तब तक आप कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बताई जाती है किसी भी चैनल के ऊपर, किसी का भी वीडियो आप देखते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आप लगातार उस स्ट्रेटजी को यूज करिए। भले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करेंगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन, क्योंकि मार्केट जो है हमारा कहीं पर जाने वाला नहीं है, मार्केट यही है, आज भी है, कल भी है, 10 साल बाद भी रहेगा। लगातार जब आप किसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। ठीक है, तो लगातार आप इसको यूज करिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कैसे प्रॉफिट मिल रहे हैं।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर सिरोधा के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से वहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे तो एंजल वन के अंदर, अपस्टॉक के अंदर या धन के अंदर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को बहुत सारे लोग नहीं दबाते हैं तो बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ही मिल सके और आप हर रोज मार्केट से कुछ नया सीख सके और इसी तरह से मार्केट से प्रॉफिट लेकर अपने घर जा सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।